संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पंजाब के प्रभारी। संजय सिंह जी, तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव के लिए तैयार हैं पूरे पंजाब में? आम आदमी पार्टी 100 से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए तैयार है, पूरा पंजाब तैयार है। पंजाब की जनता आज की तारीख का इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आ गया जब पूरा पंजाब मिलकर बादलों के गुंडा राज को, बादलों के माफिया राज को खत्म करने के लिए तैयार है, दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। 100 से ज़्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, इतना विद्रोह आपकी पार्टी में हुआ टिकटों का ऐलान होने के बाद एक आरोप लगे टिकटों की खरीद फरोख्त के, फिर भी आप दावा कर रहे हैं कि दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे पंजाब चुनाव में? दिल्ली का इतिहास आप शायद भूल गए। हमारे विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के दौरान छोड़ के चले गए थे, हमारा एक MLA राजेंद्र गर्ग चला गया था, हमारा एक MLA अशोक चौहान पार्टी छोड़ के चला गया था, हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बयान भी दिया था, केजरीवाल को तीसरे नंबर का नेता कहा था। क्या हुआ था? 70 में से 67 सीटें आई थी। जो लोग सिर्फ टिकटों के लिए नाराजगी जता रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, इनको सबको 2017 के चुनाव परिणाम आने के बाद जनता की वोट की ताकत से जवाब मिल जाएगा। 100 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है और इसका प्रमाण हमारी लंबी की रैली है, इसका प्रमाण हमारी लुधियाना की रैली है, इसका प्रमाण हमारी मजीठा की रैली है। ये इस बात का संकेत है कि आज पूरे पंजाब की जनता इस बदलाव के लिए खड़ी है, इस दूसरी आज़ादी की लड़ाई में हमारे साथ है और 100 से ज़्यादा सीटें। अच्छा संजय सिंह जी, एक आखिरी सवाल, मुकाबला किससे मानते हैं और आपको लगता है कि पंजाब में साफ सुथरे चुनाव करवा पाने में चुनाव आयोग कामयाब रहेगा और मुकाबला किससे आम आदमी? देखिए, चुनाव आयोग से मैं अपेक्षा करता हूं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वो यहां पर एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी रखेंगे और पूरी तैयारी करेंगे, पूरा यहां पर वो सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम वो पूरे करेंगे। लेकिन जहां तक आपने पूछा किससे हमारी लड़ाई है, तो यहाँ पर जो दोनों पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, अकाली दल है, BJP है, इनका महागठबंधन हो चुका है, इनका चुनाव निशान है हाथ में तगड़ी, तो इन दोनों पार्टियों से हमारी लड़ाई है, इन दोनों को पंजाब की जनता हराएगी।